हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मोज़रेला चीज़, जो पिज़्ज़ाज़ के लिए स्पेशली यूज़ की जाती है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चीज़ ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। दो चीज़ों से ये मोज़रेला चीज़ बन सकती है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी चीज़ आपकी। तो बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ये 1 लीटर दूध लिया है। ये कच्चा दूध है, फुल फैट वाला दूध हमें यूज़ करना है चीज़ के लिए। उसी से ही हमारी जो चीज़ बनती है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। चीज़ बनाने के लिए दूध को बॉयल नहीं करना पड़ता है, हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर बॉयल हो गया, उसमें उबाल आ गया, तो वो जो है पनीर बन जाएगा हमारा। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हम उबलने के लिए रखेंगे। यहाँ हमने ये विनेगर लिया है 4 चम्मच। 1 लीटर पर 4 चम्मच विनेगर लेना है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ही यूज़ करेंगे। इससे हमारी चीज़ जो है एकदम सॉफ्ट बनेगी। डायरेक्ट विनेगर नहीं यूज़ करना चाहिए हमें चीज़ के लिए। ये देखिए अभी दूध जो है हल्का सा बॉयल हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हम फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, थर्मोमीटर का नहीं। गैस को हम बंद कर देंगे और आहिस्ते आहिस्ते इसमें विनेगर डाल के घुमाते रहेंगे। एक साथ विनेगर हम इसमें नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे। घुमाते रहेंगे जैसे दूध में विनेगर अच्छे से मिक्स हो जाए और चीज़ जो है जल्दी से अलग हो जाए। ये देखिए अभी दूध आहिस्ते से फट रहा है और चीज़ जो है खुद ही अलग हो जाएगी और एक साथ होना शुरू हो जाएगी खुद ही। ये देखिए दूध अभी अच्छे से फट चुका है, पानी से अलग हो गया। अभी ये जो बनकर हमारा तैयार है ये चीज़ है। इसको इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे आप इस इकट्ठा हो रही है खुद ही। ये देखिए इस तरह से छन्नी पे हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए अभी चीज में पानी बहुत है तो इसको हम ऐसे चम्मच की मदद से पानी को पूरा अलग करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप था कि दूध में कम विनेगर डाला जाए। ये स्टेप सेकंड है कि हमें पानी अच्छी तरह से इसे निकालना है, नहीं तो चीज़ जो है हमारी वो जल्दी से ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं और उसके बाद जो चीज़ हम ग्रेट करेंगे तो वो टाइम पे भी ऐसे पानी पानी दिखेगा। ये देखिए जितना हो सके उसका पानी पूरा निकाल देना है हमें। ये देखिए अच्छे से हमने इससे पानी निकाल दिया है। और ये हमने गर्म पानी लिया है। ज्यादा हमें इसको पानी में नहीं रखना है, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए इसको हम पानी में डालेंगे और वापस से पानी से अलग करेंगे उसे। आपने देखा है जो पिज़्ज़ा पे चीज़ यूज़ की जाती है तो उसको ऐसे पीस हम उठाते हैं तो कैसे लेयर्स आते हैं चीज़ के, तो वो लेयर्स जो हैं इसी से ही आएंगे। ऐसे स्ट्रेच करते हुए हमें इसे पानी निकालेंगे और ये जो प्रोसेस है हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वैसा जो चीज़ बनेगा पिज़्ज़ा के लिए वो वैसा ही बनेगा कि लेयर्स आएंगे जब आप इसे यूज़ करोगे पिज़्ज़ा में।
और हमें वो भी बात ध्यान में रखनी है कि इसको ज़्यादा टाइम पानी में नहीं रखना है, नहीं तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और अलग अलग होने लगेगी, वो हमारी चीज़ नहीं बनेगी। फिर देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से पानी से निकालना है, फिर पानी में रखना है 2 से 3 सेकंड के लिए रख के फिर से हम इसे निकालेंगे। देखिए हमें ये चौथी बार इस तरह से किया है, अच्छी तरह से स्ट्रेच करके फिर से इसे पानी से निकालना है। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे लिया है चिल्ड वाटर, ये एकदम ठंडा पानी होना चाहिए, आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हो। पूरा पानी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसको हम डालेंगे ठंडे पानी में और सेम इसे 1 से 2 सेकंड के लिए रख के फिर से हमें इसका पानी पूरी तरह से निकालना है। ठंडे पानी में जाते ही आप नोट फील करोगे कि एकदम टाइट होने लगी है। ये देखिए इस तरह से 3 से 4 बार वही सेम प्रोसीजर करके ये देखिए हमारा ब्लॉक बनकर तैयार है। इसको हम एक पॉलीथिन में रखेंगे सेट होने के लिए और 4 घंटे हमें इसे रखना है फ्रीज़र में। आप किसी कंटेनर भी अच्छी तरह से रख सकते हो जैसे वो अच्छी तरह से एक ब्लॉक बनकर तैयार हो जाए। चार घंटे बाद आप देखोगे ये देखिए कितना अच्छे से चीज़ ब्लॉक बनकर तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और इस पर आपको मैं ग्रेट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रेट हो रही है, थोड़ा भी पानी नहीं ऐसे हाथों में आ रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ ग्रेट हुई है और दाना दाना भी ऐसे अलग नहीं हो रहा था, तो ये हमारी परफेक्ट मोज़रेला चीज़ बनकर तैयार है। तो आप ये रेसिपी फॉलो करके घर पे बना सकते हो मोज़रेला चीज़, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।